विद्युत रसायन के अंतर्गत पुनः हम छोटे से प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, लोहे के पात्रों को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है क्यों, अर्थात जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण किया जाता है क्यों? चूंकि जस्ता सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है, जस्ते की क्रियाशीलता लोहे से अधिक होती है, अतः लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने पर जस्ता वायुमंडलीय विभिन्न गैसों के साथ नमी के साथ में क्रिया करके जस्ता स्वयं खराब हो जाता है, अर्थात संचारित हो जाता है, और इस प्रकार से अंदर की सतह पर उपस्थित लोहा संचारण से बच जाता है, अर्थात संचारण से बचाव हेतु लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, अर्थात जस्तीकरण किया जाता है या गैल्वेनीकरण किया जाता है। इस प्रकार से लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर लोहे की वस्तुओं को संचारित होने से बचा सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं जस्ते की क्रियाशीलता लोहे से अधिक होती है, जस्ता अधिक क्रियाशील धातु है, लोहा कम क्रियाशील धातु है, अतः जस्ता लोहे से अधिक क्रियाशील होने के कारण संचारण की अभिक्रिया में भाग लेगा, जस्ता भाग लेगा न कि लोहा, क्योंकि ऊपरी परत जस्ते की होगी। अतः इस बिंदु को हम समझ सकते हैं जस्ते की क्रियाशीलता लोहे से अधिक होने के कारण संचारण की अभिक्रिया में लोहे के स्थान पर जस्ता भाग लेगा और जस्ता भाग लेने के कारण लोहे पर जंग नहीं लगती है। इस प्रकार लोहे पर संचारण नहीं होता है, इसके बजाय जस्ते पर संचारण होता है। धन्यवाद।